बहुत चुटपुले थे, हमने बहुत शैतानी करी बिकॉज ऑब्वियसली मैंने क्लास बंक करी है, ये मेरे को बचा अटेंडेंस लगाती थी मैं, तो वो सब बहुत हुआ है। आप तो रमेश सबसे बड़ा फूडी जो हम कहेंगे चटपटा, जो कहते हैं स्वादु वर्ड आता है। अभी हम छोले भटूरे खा के आए, एक्चुअली हम दोनों ही चट्टे हो रहे हैं बहुत बड़े। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो टू samjhaakesi.com वंस मोर। ओके सो 1 2 3 ओके 1 2 3 गो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो टू samjhaakesi.com। ओके टुडे वी हैव विद अस द वेरी फेमस डुओ known as Surbhi and Samriddhi and also known for the stage name as Chinky and Minky. So let's just get started and ask them to introduce themselves in front of the camera. मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। So आप में से कौन चिंकी है और कौन मिंकी है? अरे अभी तो बताया कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। Okay. So how are you? How is Delhi treating you? All well. So let. Okay. So let's start by asking the first question. Describe yourself. मतलब describe Chinky and describe Minky. Okay, is that so? Actually, yeah. Describe Surbhi and Samriddhi. Yeah. Basically, I'll be addressing you as your stage name, okay. Basically. Actually, the stage name is also our real nicknames. So okay. सारी family parents सब Chinky Minky. Okay. So describe yourself slowly. Okay. So I'm Samriddhi and. अलग अलग डिस्क्राइब करना। नो यू कैन डिस्क्राइब बोथ, यू डिस्क्राइब योरसेल्फ। मैं सुरभि मेहरा, शी समरा मेहरा, मैं 20 इयर्स ऑफ एज एंड मैं थोड़ी सी ज्यादा एरोगेंट हूं, इससे मैं थोड़ी बकमिन हूं। एंड हमने अपनी स्कूलिंग माउंट टू पब्लिक स्कूल से करी है, रोहिणी। ओके सो यू आर फैमिलियर टू दिस प्लेस? या, वी आर फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। या, आई गॉट टू नो व्हेन आई आस्क्ड यू वेयर आर यू, सो यू जस्ट टोल्ड मी वी आर गोइंग टू रोहिणी सेक्टर 8। एंड हमने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया लाइक वन एंड हाफ ईयर। सो और उससे पहले हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग करते थे, इट वाज इन्फ्लुएंसिंग बेसिकली। वी यूज टू हायर फोटोग्राफर्स फॉर शूट्स करके और स्टाइलिंग करके दिखाते थे कि ट्विन सिस्टर्स है तो एक अगर ऐसे स्टाइल कर रही है सेम आउटफिट को आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। वी यूज टू डू स्टाइलिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। देन हमने भी सोचा कि ट्विंस है तो क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा हम आगे लेके जाएं। देन वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो हमने थोड़ा सा सोचा कि इस चीज़ को हम थोड़ा क्रिएटिवली भी कर सकते हैं, तो हमने बस कैमरा सामने लगाया। एक दिन हमारे पास एक ऑडिशन आया था, राइट? तो इन विच दे आस्क्ड अस कि साथ में बोल के आपको कुछ एरोगेंस से कुछ बोलना है, बट दैट वाज इन इंग्लिश एंड दैट वाज इन कंप्लीट एटीट्यूड। ओके साथ में बोला एंड देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द कपिल शर्मा शो एंड दे सेड कि आपके उसके ऑडिशन वीडियोस है तो वी सेंड दैट एंड देन दे गॉट द आइडिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लिया और उसको इतने अच्छी तरह से क्रिएट किया कि हमने भी नहीं सोचा था हम कभी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ओके, तो जो कि हमको ऑन स्क्रीन दिखता है आपकी केमिस्ट्री, ट्विंस हैं आप दोनों, उसका कभी फायदा लिया है? बहुत बार, ट्विन टेलीपैथी तो आप सब जानते ही होंगे। ओके तो बहुत फायदा उठाया है। ओके, यूट्यूब, टिकटॉक एंड मतलब आप आज एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे जानी जाती है, तो आज आप एक इन्फ्लुएंसर के एक टैग के साथ घूम रहे हैं, तो हाउ डू यू टेक दैट थिंग एज कि आप किसी भी एक पोडियम में जाके एक ऑडियंस है आपकी, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हाउ डू यू टेक दैट थिंग एज कि आपको अगर मौका मिले तो किस चीज़ पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे? नहीं, वो टैग तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इट्स यू नो द फीलिंग इज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड वी फील सो ग्रेट कि सब लोग हमें उस चीज़ से देखते हैं। और जो चीज़ हम जैसे अगर हम कोई कपड़े भी पहनते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि नहीं हमें भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए एंड उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम भी ये ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्टेंट देते रहे, ऑडियंस को दिखाते रहे। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट फैशन, इट्स अबाउट द एटीट्यूड, इट्स अबाउट द फीलिंग, द सोशल लाइफ एंड इट्स अबाउट, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्विंस एंड द स्ट्रेंथ, द वर्क, एवरीथिंग, कोऑर्डिनेशन। सो जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है या नहीं होती? तो जब आप लेने जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किसको क्या चाहिए और कौन कौन है? एक्चुअली
वहाँ पे लोग ऐसे हमें पहचान जाते तो बोलते हैं आपको तो दो ही चाहिए होगा, तो हम सेक्शन पे लेके जाते हैं जहाँ दो चीज़ें अवेलेबल होती हैं. और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एक आउटफिट ले आई और ये एक आउटफिट लाई, बट मेरे पास सिर्फ उस आउटफिट का एक ही पेयर है. ओके ओके, आपसे एक थोड़ा रैंडम से बीच से निकालता हूँ एक क्वेश्चन, कि ये है कि आपके लिए लाइफ में कुछ भी हो सकता है मोमेंट क्या था कि आज आप एक कपिल शर्मा शो पे आ चुके हैं. सो आपके लिए एक मोमेंट क्या था, हाउ डू यू टेक दैट सक्सेस एंड हाउ डू यू फील कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ मैं सोचती हूँ कि ये हो गया मेरे साथ, तो कैसे देखूँ मैं इस बात को? अभी तक वो एक ड्रीम ही है, ये सब ड्रीम है, इंटरव्यू देना, यहाँ पंजाब केसरी में आना, ये सब अभी तक ऐसा कि अभी हम वो ड्रीम ही बोर्ड में चल रहे हैं. वी कीप पिंचिंग ourselves, exactly. Because जब हम वहाँ सेट पे गए थे इट वाज सो ब्यूटीफुल और हम लोग ऑल अराउंड, हमें दो दिन तक तो पता नहीं चला था कि हम लोग इतनी डीप में अंदर तक घुस चुके हैं उस चीज़ के. एंड देन वी गॉट द स्क्रिप्ट, वी रिहर्स्ड, एंड फाइनली जब हमने शूट किया था देन वी रियलाइज नो वी डिड समथिंग, कुछ तो हुआ है, कुछ तो किया है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाउ कम यू चूज द प्लेटफॉर्म दैट पीपल लव टू क्रिटिसाइज लाइक क्रेजी, कि टिकटॉक के बारे में हमने देखा है कि दो में से तीन में से दो लोग ऐसे होते हैं, अरे यार तू टिकटॉक बनाता है, यार तू टिकटॉकर है, वो तो वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है. बट अगर हम आपको देखें, यू हैव लाइक 3.5 या सो, हाउ डू यू टेक दैट थिंग, उस क्रिटिसिज्म को कैसे ओवरकम करते हैं? हमें वो काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ता है कि हम ज़्यादा टिकटॉक वाले भी ना लगे और ज़्यादा हम ऐसे भी लगे कि सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं, तो वी टेक इट बिल्कुल मीडियम पे लेके चलते हैं और एकदम प्रोपोर्शनेट रहे सब कुछ. टिकटॉक का कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा बोला जाता है कि ये तो सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, जो थोड़ा सा दिखता है कि पीछे मेहनत काफी हो गया था, टिकटॉक नेगेटिव हो गया था, बट अब उन्होंने अपनी एल्गोरिथम चेंज किए हैं तो अब काफी पॉजिटिव चीज है, काफी टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं उसमें से, बहुत ज्यादा टैलेंटेड. हम लोग खुद ऐसे देखते हैं अरे यार ये सब भी हो सकता है टिकटॉक पे, सो वी कीप ऑन थिंकिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट की यार ऐसे. सो हु इज दैट पर्सन हु क्रिएट्स योर वीडियो, हु इज द बिहाइंड द सीन पर्सन, क्योंकि आप दोनों तो कैमरा के आगे होते हैं, तो कोई है स्पेसिफिक बंदा जो कर रहा होता है ये काम? ट्राइपॉड होता है, हमारा रिंग लाइट होती है. ओके ओके ओके, समटाइम्स मम्मा हेल्प कर देती है हमारी, मम्मा को बताते हैं ऐसे सैंडल से. हां, आई सॉ योर पोस्ट विद योर मॉम. सो व्हिच वीडियो, कौन सी वीडियो आप मानते थी जिसने आपका एक नेक्स्ट लेवल आपको पहुंचा दिया, कि जो चल गई, जो वायरल हो गई, जो टिकटॉक पे? मैं चिंकी हुई मिंकी एंड दैट चंदू वाला डायलॉग यार, इट वाज रियली गुड. बट द स्टार्टिंग वाज फ्रॉम द सॉन्ग टन 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 जेंटलमैन सॉन्ग. ओके ओके ओके. सो जब आप कहीं स्टेज परफॉर्मेंसेस पे जाते हैं, सबसे ज्यादा चीज आपसे क्या बोली जाती है करने को, कि आप आए हैं तो कोऑर्डिनेशन में साथ बोलो, ठीक है अभी भी कर लाए. आप हमसे पूछो चिंकी मिंकी तुमने खाने में क्या खाया. ओके चिंकी मिंकी तुमने खाने में क्या खाया? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीली दाल, माखी दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी. ओके 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 ओके. सो ओके, जब हम बात करते हैं टिकटॉक की, तो हम सोशल मीडिया पे ये भी देखते हैं कि उनको ट्रोल किया जाता है, उनके नाम के मीम्स बनते हैं, तो आपने अपने नाम के मीम्स देखे हैं कभी ऐसे बनते? हमने इसमें ढोलू बोलू, छोटा भीम में करेक्टर्स हैं, तो ट्विंस, तो हमेशा ऑल्टरनेट आउटफिट्स पहनते हैं, ऊपर नीचे ग्रीन, ऑरेंज एंड ऑरेंज ग्रीन, और सेम आउटफिट हमने बाय चांस ऐसी हमने रियलाइज कर लिया, तो बहुत मीम बने थे कि ढोलू बोलू और बैक चिंकी मिंकी, वो काफी ट्रॉल हुआ था और इट्स रियली फनी, हम लोग खुद ही हंसते थे. बाकी अदरवाइज वैसे टाइप में कुछ नहीं हुआ, कि गंदे ट्रॉल्स फनी एंड क्यूट. ओके, और अब हम बात करते हैं, जैसे टिकटॉक को देखते हैं लोग तो सोचते हैं बहुत पैसा कमाते होंगे लोग टिकटॉक से, तो वो एक ऑडियंस को बताइए कि क्या सोर्स ऑफ इनकम रहती है टिकटॉक से? एक्चुअली टिकटॉक के थ्रू कोई इनकम नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड्स, जो मार्केट में ब्रांड्स हैं, ब्रांड गिव मनी टू मेक टिकटॉक्स. टिकटॉक कोई अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देते, ब्रांड्स देते हैं जिनको लगता है कि टिकटॉक से हम अपनी ब्रांड को उठा सकते हैं. देयर मेनी ब्रांड्स ऑन टिकटॉक, ब्रांड्स इन राइट नाउ द वन थिंग इज आल्सो गोइंग ऑन दैट इज साउंड कोलैब्स. म्यूजिक वीडियो के किसी को लॉन्च करना होता है एंड उनको अपना गाना प्रमोट करना होता है, सिंगर भी रिसेंटली आया पछताओगे, तो दे गिव और दैट्स अ वेरी क्रैकी सॉन्ग नो, रोज आए कोई बंदा आया, वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, वो टिकटॉक पे उन्होंने दे गिव मनी टू यू नो इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट द सॉन्ग एंड उन्होंने अपना प्रमोट किया गाना और सबने पे गाना भी बनाया. आफ्टर दैट फिलहाल आल्सो इज द ट्रैक अ वेरी स्केरी काइंड ऑफ सॉन्ग, यू रोना इज बॉयफ्रेंड नो सिंगल मैसेजेस तो आते होंगे, क्रशेस तो होंगे बहुत सारे, जो आप सो हाउ डू यू टेक दैट थिंग, ऐसे इग्नोर करते हैं या मजे भी ले लेते हैं कभी बैठे बैठे? नहीं, हमने रिप्लाई कर रहे हैं लोगों के, बट जिन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट किया अच्छा
उनको हमने रिप्लाई किया कि नहीं इसको तो नहीं छोड़ते. एक आया था मेरे पास अभी कल ही आया, मैम प्लीज इसे डीएम प्लीज पढ़ के मुझे बता, देखोगे नहीं एक बार प्लीज देख के बस एक हार्ट भेज दो. वो आता ना एक हार्ट ओके. ये तो चलो आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम थोड़ा जान रहे हैं पूछ रहे हैं. आप थोड़ा बैक आ जाते हैं, हम थोड़ा बैक लाइफ में. स्कूलिंग आपने बताया कहाँ से हुई आपकी? माउंट पब्लिक स्कूल सेक्टर 5. तब कैसे थे आप लोग स्कूल लाइफ में? आप लोग कैसे थे कि चुलबुले टाइप्स के या उस समय बैठे रहना? अभी तक हम कॉलेज में जाएंगे माइक एक थप्पड़ हम लोगों को पड़ेगा. बहुत चुलबुले थे, हमने बहुत शैतानी करी बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा कोई किस्सा होगा जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जो एक ने किया और दूसरे को उसके लिए आगे होना पड़ गया था कि वहाँ पे मतलब मैं ही थी प्रेजेंट वहाँ पे तो मुझे पड़ गई उसकी डाउट सबमिट करना था एक क्लास में. हाँ सो इट वाज इंग्लिश असाइनमेंट आई थिंक. तो इसने करा नहीं था एंड मैंने किया था और ये अपना नाम लिख के मैम को सबमिट कराई थी. मैंने बोला हाँ ठीक है मैम इसी का गया. ओके ओके ओके. सो अब आगे हम यही पूछ सकते हैं आपसे कि आप दोनों में सबसे बड़ा फूडी जो हम कहें कि चटपटा जो कहते हैं स्वादु वर्ड आता है. अभी हम छोले भटूरे खा के एक्चुअली हम दोनों ही चट्टे हो रहे हैं बहुत बड़े. दिल्ली का खाना हम नहीं मिस कर सकते. हम लोग अभी कितना टाइम हो गया. इवन व्हेन जब मेरी आपसे बात हुई तो मेरे को दो चार लोगों ने बोला कि हम इनको जानते हैं. तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ये यहीं से हैं. तो पहले मैंने बिलीव नहीं किया. मैंने कहा इंदौर इंदौर या दूसरी साइड का मैं देख रहा था आपके पोस्ट में. बट जैसे अभी मेरी आपसे लास्ट इंटरेक्शन हुई तो यू लाइक आई एम गोइंग टू एक्स वाई जेड प्लेस. तो आई जस्ट गॉट अ आइडिया कि आप यहीं से हैं कि मतलब मुझसे ज़्यादा लोग जान रहे थे आपको कि कहाँ से हैं एंड फॉलो कर रहे थे. तो कोई ऐसे भी बंदे मिलते हैं आपको जो आप अननोन थे तब आपको अलग ट्रीट करते थे और आज आप नोन हैं? तो जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी उतनी है. तो नेगेटिविटी में सबसे वर्स्ट कमेंट आपने क्या फील किया अपने रिगार्डिंग में? क्योंकि देखता है तो हर कोई है. अगर कोई कह देना कि मैं नहीं देखता वो एक बड़प्पन है. चाहे शाहरुख खान की बात करें वो भी देखते हैं बट उनकी PR टीम इग्नोर करती है. तो ऐसा कोई कमेंट जो आपको बहुत हर्टफुल लगा हो कि इस पे मैं क्या बोलूं कि एक आया था मैं कुछ दिन पहले इसमें लिखा था एक लड़के ने कि बस करो कितना चलाओगे कोऑर्डिनेशन और भी कुछ नया करो. वो चीज हमें थोड़ी लग गई थी. अभी एक तो कुछ शुरू कर रहा है अभी बोल रहे हो तो ठीक है हमने वो इग्नोर किया. बट हम अपना काम तो ऑब्वियसली रोकेंगे नहीं बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज ऑन टीवी. हां और हमें जैसे मोटिवेशन भी आती है कि नहीं यार कुछ नया ट्राई करते हैं अगर लोग चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट वी शुड गिव इट अ ट्राई. और हमने सोशल मीडिया पे इतना कोऑर्डिनेशन में बोला नहीं है. वो जब भी वायरल हुआ तो वो टीके से शॉर्ट वायरल हुआ या किसी में. तो नाउ वी आर थिंकिंग टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन एंड समथिंग. ओके आई गॉट टू नो यू आल्सो हैव अ YouTube चैनल. Yeah. So what you do in that channel? क्या प्रमोट करते हैं क्या काम करते हैं? व्लॉग्स लाइव व्लॉग्स या रिसेंटली वेंट टू इंदौर झाबुआ राव एंड मेनी मोर सिटीज. ओके छोटी छोटी सिटीज हमने कवर करी थी 8 days in 8 cities. सो वहाँ हम गए थे तो हमने उसका व्लॉग बनाया था एंड इट ऑलमोस्ट हिट 1 million व्यूज. ओके आई सी. हमने बस एक महीना पहले स्टार्ट किया एंड टच बट इट्स गोइंग रियली गुड. मैं थिंकिंग हम इसको आगे लेके जाते हैं. हमने अभी कर्ली हेयर बनाया था कि हाउ टू मेंटेन अ कर्ली हेयर फॉर गर्ल्स. दे वर आस्किंग अस अ लॉट कि हमारे भी दीदी कर्ली हेयर है बताओ कि इसके हैक्स क्या हैं. तो हमने वो बताए थे. फिर हम अपना व्लॉग बनाते हैं कि हमारा ट्रैवल क्या होता है एंड हाउ वी गेट रेडी इन आवर इवेंट्स फॉर इवेंट्स. या तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. एक चीज़ बहुत देखी जाती है कि टिकटॉक पे कि हम जब शुरू करते हैं तो लाइक्स आते हैं 20, 30, 50, 100, 500. तो जब आज आप देखते हैं कि 5 लाख, 10 लाख कभी मिलियन हिट हो रहा है तो उसमें वही गर्लिश वाली फीलिंग होती है स्क्रीमिंग या ये चल गई या ठीक है यार चल गई चलनी थी मैंने बनाया था. हम दोनों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. स्टार्टिंग हमारे लाइक्स आए थे 8 तब हुआ था हम लोग को. ओह माय गॉड 8 लाइक्स और व्यूज उसके कुछ इसमें 25 तो हमने ओके 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 वी गॉट वायरल. बट नाउ अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली टिकटॉक ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया है. उन्होंने अब जो क्रिएटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको वो लोग हटा के उनका जितने नॉर्मल रीच आ रही है उसको ज़्यादा पुश नहीं करते हैं.
बाकी जो और क्रिएटर्स जो न्यू फील्ड में आ रहे हैं तभी और टैलेंट दिखता है तो वो लोग पुश हो रहे हैं. अब हम लोग साइडलाइन हो चुके हैं, वो धीरे 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 ग्रो हो रहे हैं. सो नाउ इफ यू स्क्रॉल टिकटॉक फॉर यू पे और फॉर यू उस पर आ जाता है. सो उसके बाद अब हम आपसे पूछते हैं कि फैमिली में अगर बात करें तो मॉम डैड कौन कौन है? दो डॉगीज. सो फादर की बात करी जाए तो फादर का रोल हमेशा ऐसा रहता है लड़कियों की डॉटर की लाइफ में कि बहुत सुपीरियर द फर्स्ट पर्सन जिस पे ट्रस्ट किया जाए. तो आप में से क्लोज कौन है दोनों के? दोनों के दोनों पापा के हम दोनों क्लोज हैं. मम्मा के भी हम दोनों क्लोज हैं. ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा प्यार मिलता है दूसरे को कम. कभी नहीं किया. सो ओके ओके. सो अगर हम बात करें शैतानी में कि अगर ठीक है पापा इसने किया कि ओके मैंने कुछ नहीं किया इसने किया है तो वो कौन करता सबसे ज्यादा? ओके आई सी. तो अगर अब हम बात करते हैं कि आप आज एक यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी कर चुके हैं, सो व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कि अब हम आपको कहाँ देखेंगे और यही करते हुए देखेंगे हम आपको? ये बिकॉज़ ये ऑब्वियसली लाइफ टाइम नहीं चल सकता एंड इट इज़ नॉट परमानेंट. क्रिएटर्स तो हर कोई है एंड क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टेंट बट देयर इज़ अ लिमिट. उसके बाद वी आर थिंकिंग ऑफ बॉलीवुड देन ऑफ एक्टिंग एंड आप यहाँ से नॉर्मल दिल्ली से होके दिल्ली के जो लोग जाने जाते हैं गुस्से के लिए एग्रेशन के लिए वो यहाँ से उठ के सीधा बॉम्बे पहुँचे, फिल्म सिटी पहुँचे एंड कपिल शर्मा के शो जो हम बात कर रहे थे उसमें गए. तो जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था कि कपिल शर्मा लाइव आए तो वो उन्होंने कैसे ग्रीट किया और आपने कैसे ट्रीट किया उनको वहाँ पे? वी वर सिटिंग ऑन द फर्स्ट सीट बिकॉज हम लोग तब शो देखने के लिए आए थे एंड देयर वाज कियारा एंड शाहिद कपूर वाला शो तब शूट हो रहा था. सो हम वहाँ गए तब हम कपिल सर से मिले नहीं थे तब बिकॉज हम लोग अपनी वैनिटी में चले गए थे. वी हैड टू टेक सम रेस्ट. हम सीधा वी फ्लाई टू दिल्ली टू बॉम्बे दैट डे ओनली. तो हमने थोड़ा रेस्ट किया देन वी केम बैक. हम वहाँ बैठे तब कपिल सर को बताया था कि दो ट्विंस आई हैं. ओके तो वहीं पे उन्होंने सबके सामने में ग्रीट किया था और भी ट्विंस हाउ आर यू. तो तब उन्होंने हमसे नाम पूछा था व्हाट आर योर नेम्स. हमने बोला इट्स सुरभि एंड समृद्धि. वैसे हम चिंकी मिंकी घर पे बुलाते हैं. जब पहला मोमेंट था कि एक साइनिंग मोमेंट होता है हर आर्टिस्ट के लिए कि ठीक है यू जस्ट गेट अ कॉल एंड आपको बताया जा रहा है यू जस्ट बीन सिलेक्टेड है तो वो जब पहला मोमेंट था वो भी नॉर्मल रहा था कि एक मॉडेस्टी में ठीक है ना हो गई मैं या शो तो नॉर्मल किया था. हम जब घर गए थे वो तो हम लोग जो चिल्लाए थे बेड पे कूदे थे उसकी लिमिट ही नहीं है. चिंका ये सच में था. It was like this and हमने audition videos भी दी थी उसके लिए. Okay, okay. Just received a call, we got through. So audition video में यानी आपके जैसे ही character को ढूंढ रहे थे या आपका अपना audition skill था तो वो उनको अच्छा लग गया उस चीज में? हाँ ये कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो audition था उन्होंने उसको और ज्यादा creative किया था. मतलब when it was 10% they made it to 100%. अगर हम बात करें हम अपने व्यूअर्स के लिए आप मतलब देखना चाहें हमारे व्यूअर्स जानना चाहें तो अगर आप क्या देखते हैं कि एक लड़के में एक आप ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जांपल आप ढूंढ रहे हैं तो आप क्या ढूंढ रहे होते हैं कि उस लड़के की पर्सनालिटी में सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? तो कुछ तो होता होगा ना कि फर्स्ट इंप्रेशन में मैं उसको देख रही हूँ तो ठीक है ये टॉल है या नहीं मेरे को शॉर्ट भी चलेगा या क्लीन शेप भी चलेगा या? क्योंकि हम शॉर्ट है तो हमें इतना टॉल तो नहीं चाहिए. तो अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6'5" एंड 6'5" 5'10" 5'5" 5'6" हाइट एकदम मतलब एवरेज जो जो हमारे से मतलब मैच करे हाइट की हल्का सा बिल्ट अप ज्यादा नहीं कि बिल्कुल एब्स आई में ऐसा कुछ नहीं. हाँ वो कहीं ना कहीं आप भी वही ओल्ड स्कूल वाली थिंकिंग है कि एब्स है तो फिर तो भैया मेरे को वो कहेगा कि ठीक है मेंटेन करो खाना वाना नहीं खाना होता है ऐसा? ओके हाँ और मैंने आपकी प्रोफाइल को भी अच्छे से देखा. मैं अपनी ना स्टॉकिंग एबिलिटीज़ को बहुत मानता हूँ तो मैं देख रहा था आपकी जो पोजेज होते हैं या हर चीज़ आप डिसाइड करते हैं फोटोशूट्स होते हैं तो वो कौन डिसाइड करता है? आप खुद डिसाइड करते हैं फोटोग्राफर आपको गाइड करता है कि नो यू हैव टू डील लाइक दिस इन फ्रंट? दोनों डिसाइड करते हैं. एक बार मैंने एक इवेंट में ऐसे कर दिया था एंड शी वाज लाइक दिस सो इस मुझे बोला जब हम बात करते हैं मीडिया इंटरेक्शन की जब मीडिया से बात हो रही होती है ये तो चलो हम शूट कर रहे हैं नॉर्मल जब बहुत ज़्यादा मीडिया है कभी ऐसा
कुछ मूवमेंट हुआ उप्स मूवमेंट की, ठीक है यार इसने ये बोल दिया और मैंने ये जवाब, मुझे ये जवाब नहीं देना चाहिए था इस चीज़ पे कि इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कि उसके दो मिनट बाद ही एक दूसरे में डिस्कस हुआ, ओ शिट यार ये क्या बोल दिया तुमने। हम जब ऐसे अगर होता है तो हम एक दूसरे को आई कॉन्टैक्ट देते हैं तो दूसरे वाला बात संभाल लेता है। ओके नहीं वो बोलने का मौका नहीं देते गलत बात। हाँ ये भी बात सही है कि ठीक है हम काट देते हैं एक दूसरे की बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे थोड़ा सा, जैसे आप फॉर्म में मैं भी आ रहा हूँ बात करते करते, कि मीडिया में आप कैसे देखते हैं कि अपने आप को, कि मीडिया आप गुड मीडिया मानते हैं कि जैसे एक पब्लिसिटी होती है, मीडिया इज़ ऑल अबाउट वर्किंग एज अ पीआर फॉर अ सेलिब्रिटी समटाइम्स, सो आप मीडिया को आप कैसे देखते हैं कि मीडिया हमेशा वर्क एज अ गुड वन या समटाइम्स इट ब्रिंग्स ट्रबल विद इट, कि ठीक है आज मैंने कुछ कह दिया और इस लाइन को पकड़ लिया गया या कुछ चीज़ हो गई, तो व्हाट इज़ योर थिंग? हमारे लिए तो ये अभी तक गुड है, बट अगर हम सेलिब्रिटीज़ का देखते हैं कि उनकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ को इतना जजमेंटल हो रहा है सब लोग, तो वो चीज़ थोड़ी हमें लगती है, बट अभी हम उस फेज में आए नहीं हैं, तो जब हम आएंगे तब हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह देख पाएंगे। ओके एंड अगर हम बात करें कि स्पाइसी और नॉन स्पाइसी फूड, इफ आई टॉक अबाउट स्पाइसी, ये स्ट्रीट फूड लवर और लाइक क्लासी गोलगप्पे छोले भटूरे दैट यू टॉक्ड अबाउट, कितना खा सकते हैं, क्वांटिटी रेंज कितना जा सकता है? इन फ्रंट ऑफ कैमरा यूट्यूब ब्लॉग, या सो यूट्यूब में, अच्छा यूट्यूब कह रहा था सॉरी, इट्स लाइक कि गोलगप्पे हो गए, छोले भटूरे, व्हाट एल्स लाइक ऑन द स्ट्रीट, आलू चाट, यहाँ पे भी कोरस चलता है कि ठीक है ठीक है आलू चाट हो गया, व्हाट अबाउट चाइनीज, what are your preference about Chinese? So one day if I'm moving somewhere in Delhi or somewhere XYZ और मैं मिल जाए कोई सेम, तो मैं guess कर लूँ कि यही हो सकते हैं कि ठीक है twin sister हैं, खा रही है चाउमिन खा रही हैं या noodles खा रही हैं, तो मैं मान लूँ कि आप खा रहे हो सकते हैं normally कहीं बाहर निकल के, या अभी भी आप कहते हैं कि ठीक है normal चले जाते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं होता कि और हाँ मेन चीज़ इसी से एक निकल के आती है कि आज आप कैसे देखते हैं खुद को, कि आप लाइफ में कुछ फ़र्क महसूस करते हैं कि मिल जाते हैं रिकॉग्नाइज करने वाले, या अभी भी उतना ही चल रहा है कि ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, ये नहीं बोलूँगी मतलब काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, अब जहाँ पे भी जाते हैं ऑफिस से अगर साथ में चल रहे हैं, अलग भी चल रहे हैं तब भी, तब थोड़ा जैसे 50% लोग पहचानते हैं, बट साथ में इट इज़ लाइक 100% की श्योर है कि यही दोनों है, बट पहले जब अलग जाते हैं तो डाउट होता है थोड़ा, बट वो डाउटफुल क्लियर हो जाता है व्हेन वी आर टुगेदर, ओके पहचानते हैं लोग। अब लड़कियां हैं आप, तो बात आती है सजने धजने की एंड समथिंग लाइक दैट, तो इफ़ यू टॉक, आई वाज लुकिंग एट योर नेल एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दिस, सो जब यहाँ पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी यही कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है कि सेम लेंथ और सेम दिस सिरोस्की एंड एवरीथिंग, या Everything same. तो ये आपको कभी लगता नहीं है कि लाइफ में हम अपनी पर्सनालिटी क्या होगी, हम तो सिर्फ दो जने जाने जा रहे हैं ना, कि मतलब दो जिसमें एक जान टाइप्स की, दैट इज गुड, सी अलग पर्सनालिटी तो आपकी भी है, हम दोनों की भी अंदर से अलग पर्सनालिटी है, बट व्हेन वी आर ट्विन्स इट इज समथिंग एल्स, सो इट्स गुड टू बी डिफरेंट, हमें अच्छा लगता है लाइक कैरिंग अप सेम आउटफिट्स टुगेदर, क्योंकि मैं इंटरव्यू से पहले सोच रहा था मैं चिंकी विंकी करके एड्रेस करूंगा, क्योंकि अगर आप बता भी दो मैं ये हूँ, या जैसे अभी नीचे हुआ कि मैं ये, मैंने कहा ठीक है कीप इट लाइट, कि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं कैमरे के आगे किसको क्या बोल दूंगा तो ये होता है कि आपके साथ कि कभी कभी ऐसे हुआ कि हाय आई एम सुरभि, आई एम समृद्धि, एंड दूसरा आपको कुछ और समझ ले और दूसरा आपको कुछ, और उसको आप कैसे लेते हो उस चीज़ को? अच्छा मॉडेस्टी, एक्ट ऑफ मॉडेस्टी, कि मैं उसको क्यों करूँ बीच में टोकूँ, ठीक है हमें मजा आता है, फिर वो सारे सीक्रेट्स मुझे बता देता है फिर। ओके ओके आई नाउ यू बीइंग वे टू ठीक है, सो हाँ करना पड़ता है ना थोड़ा सा जब भूल जाए बीच में, तो अगर आप बात करें आपने कॉलेज कहाँ से, आपने बताया कॉलेज नहीं बताया आपने, इट्स CVS कॉलेज ऑफ वोकेशन स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव डन फ्रॉम PG रेवी लाजपत नगर, ओके यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली की बात, अगर हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली की बात कर रहे होते हैं, तो दिल्ली के आप एक लड़कों का या जो एंगर स्टेटस देखा जाता है कि माँ की बहन की तो मेरे बाप को नहीं जानता टाइप, ये अगर आप बॉम्बे में निकले होंगे कभी, तो आपने बॉम्बे में क्या फील किया? हम सुधर गए वहाँ जाके, एक्चुअली यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉलेज लाइफ में भी इतना गाली गलौज हमने सुनी है, आसपास हमारे सारे फ्रेंड्स आगे के लोग लड़ाइयाँ, इसको बुला लूँगा इसको बुला लूँगा, हम लोग ऐसे ही चल रहे थे रोड पे, तो देयर वाज अ गाय, वो स्कूटी पे आया, वो पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से निकल के आया, और हम दोनों बहुत एकदम से ऐसे डर गए, कुछ नहीं हुआ, हम जस्ट उसको क्रॉस करके नॉर्मल खड़े हो गए, हमने एक दूसरे को रिएक्ट भी नहीं करा कि ठीक है इट वाज आवर फॉल्ट, वो पीछे से आया
हम दोनों तो देख रहे थे सॉरी मैम इट वाज माय फॉल्ट. हम लोग ओह माय गॉड ये क्या हुआ. ये तो सुना ही नहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही बात. मैं एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट के, अभी दो तीन क्वेश्चंस रह रहे हैं, मैं करता हूँ उसको वाइंड अप थोड़ा सा. कि मैंने बात की थी तीन खान्स की, आपको चांस मिला मिलने का अभी तक किसी से? सलमान खान से? ओके. शाहरुख, यू डिडंट गेट अ चांस टू मीट. मम्मा इज अ ह्यूज 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 फैन ऑफ शाहरुख खान. हां, इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ आई एम आल्सो बिग फैन, बट अब मुझे लगता है मेरी लाइफ शुरू हुई थी शाहरुख खान बनने से. नो, इट्स लाइक बनना था शाहरुख खान, बन गया सलमान भाई की लव लाइफ ड्रॉप ही होती चली जा रही है या कुछ मिल नहीं रहा है उसमें, तो भाई भाई बन के घूमना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द लास्ट थिंग जो आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि अगर आज आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हैं तो क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब आपके पास मौका है? आप एक यंग एज में, एक कहते हैं ना सक्सेसफुल होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, सक्सेसफुल आप 40 साल की उम्र में भी हो जाएंगे, बट द बिगेस्ट थिंग इज़ कि आज आप इस एज में सक्सेसफुल हैं, तो क्या चीज़ आप बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि ठीक है कि इफ़ यू हैव दैट चांस टू इन्फ्लुएंस जस्ट टू शेयर योर व्यूज़, तो क्या सबसे पहली चीज़ें करनी चाहिए आप लोगों को? कि हम एक्चुअली बोलना चाहेंगे कि जो भी टैलेंट है उस चीज़ को अंदर नहीं रखना चाहिए. उसको कभी अंदर मत रखो, बिकॉज अगर हमने भी अपना टैलेंट छुपा के रखा होता है, हमने सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये कैसे जज करेगा, तो आज हम जो भी हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो शायद ना दे रहे होते. सो दैट्स द थिंग, आप जितना आपके ना कॉन्फिडेंस है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड योर कॉन्टेंट. ओके. जो लोग नेगेटिव करते हैं उनको अंदर से एक कॉर्नर में उनको खुद से पता होता है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. और नेगेटिव कॉमेंटर्स भी ना फेक आईडी से कॉमेंट करते हैं कि अपने ओरिजिनल, हाँ ये मैं हूँ, देख ले कौन है. ऐसा नहीं है, वो फेक बनाते हैं, उनको खुद को रियलाइजेशन होती है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मजे लेते, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता. एंड फ्यू ऑफ देम जिनको पता है कि वो गलत कॉन्टेंट बना रहे हैं, उनको खुद से ही पता होता है, बट दे डोंट ट्राई टू करेक्ट इट. सो आई थिंक ये थोड़ा सा उस चीज़ पे थोड़ा सोचना चाहिए बिफोर मेकिंग द कॉन्टेंट. ओके, सो दैट वॉज फॉर नाउ, इनफ फॉर नाउ. सो बिफोर वी एंड, ऑल आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट इज कि आप हमारी ऑडियंस है प्लीज़ एक सब्सक्राइब के लिए हमें रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वी आर ऑल्सो काइंड न्यू बॉर्न बेबी इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया राइट नाउ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड स्प्रेड. अपनी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए पंजाब केसरी के नाम से कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट. गिव अ शाउट आउट टू पंजाब केसरी टू. So like, share, subscribe and comment below to PunjabKesari.com.